एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी हो रहा है 4:30 का टाइम और ये बच्चा देखिए उठ कर क्या कर रहा है। पति देव और मैं दोनों सो रहे हैं अभी और ये उठ चुके हैं और अब इनसे मिल लीजिए। अब ये घूमने जा रहे हैं बाइक से। मैंने कहा ठीक है जाओ, जब तक ये जा रहे हैं घूमने तब तक मैं अपना सारा काम जो है फिनिश करूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं और जो है जब तक ये आएंगे तब तक आधे से ज़्यादा काम तो मेरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आके सो चुके हैं और हम और हस्बैंड जो है हमने नींबू पानी पिया दोनों लोगों ने। और सॉरी वो मैं दिखाना थोड़ा सा भूल गई क्योंकि फ़ोन मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, एकदम डिस्चार्ज था। तो उसको मैंने चार्ज किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे जो है ब्लॉग्स बनाने में और थोड़ा सा लेट भी हो चुकी हूँ। और मेरा बच्चा फिर आके सो गया क्योंकि 4:30 बजे कोई भी बेबी उठेगा तो वो पक्का जो है सो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए फिर से सो चुके हैं और मैंने सोचा धीरे धीरे से काम जो है अपना सही सेट करते हैं क्योंकि अगर काम वगैरह नहीं हुआ रहेगा ना तो और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है और यहाँ पर बस ऐसे ही बिस्तर वगैरह सेट कर लूँगी। बाद में जब ये उठेंगे तो अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज होगी और अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही सही है। और लाइट मैंने बड़ी वाली नहीं चलाई है क्योंकि ये उठ जाएंगे तो इनको नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आराम से इनको सोने देंगे। और मैंने सोचा ऐसे ही अपना काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 4:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं। तो जो है ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ जो है मेरा ब्लॉग फुल वॉच करिएगा। तो बस लगातार काम करके हालत तो ख़राब हो ही जाती है, पूरे दिन का रूटीन मैंने सोचा है कि शेयर करूं और अभी तो देखते हैं शेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर रूम का जो है आधा से ज़्यादा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, जो एक्स्ट्रा सामान इधर बिखरा रहता है ना वो सारा मैंने सेट किया। और उसके बाद फिर जो है जो बर्तन वगैरह पानी का ग्लास वगैरह होता है ना वो सारा जो है हम लोग पानी वगैरह रात में पीते रहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट झाड़ू लगा के पोछा लगा के उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देंगे ताकि इनकी नींद जो है ना वो अच्छे से पूरी हो जाए। वैसे ये 4:30 बजे उठता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं उठता है, लेकिन जब ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा शोर करती है ना तो उठता है। तो यहाँ पर जो है दरवाज़ा मैंने बंद किया है ताकि बाहर का जो कुछ भी आवाज़ हो ना इनको ज़्यादा सुनाई ना दे और ये अपना अच्छे से नींद पूरी कर लें। तो बस यहाँ रूम का मेरा काम ख़त्म करके मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो है मैंने दूध चढ़ाया है। और दूध ये जो है जो भैंस ना बच्चा देती है पहले दिन वाला दूध होता है ना, तो जहाँ से इनका अभी का दूध आता है वहाँ से वही दूध आया था तो वो बिल्कुल जम गया था दूध। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से भून के ना इसमें चीनी वगैरह डाल के खा लेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पति देव ही खाएँगे, लीजा है वो खाएँगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर अभी जो है मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी और अभी जो है टाइम हो रहा है 4:30 बजे उठे थे हम लोग, अभी 7:30 बजे का शायद टाइम हो रहा होगा क्योंकि जब मेरा बच्चा घूमने गया था तो मैंने फ़ोन अपना चार्ज में लगा दिया था। उसके पहले मैंने थोड़े से काम ये थे कि मैं छत पर गई थी, मैंने भी थोड़ा सा टहला था, ज़्यादा नहीं बस 5 से 10 मिनट तक। हाँ, और सामने वाली आंटी जी हैं तो उनसे थोड़ी सी बात हो जाती है, छत पर जाओ तो कोई भी बात वगैरह करने लगता है तो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, कितना भी आप कोशिश करो हटो 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 लेकिन जब सामने वाला हटेगा तब ना आप। तो थोड़ा सा मैं वहाँ पर लेट हो गई और फ़ोन में चार्ज भी लगा के गई थी इसलिए मैं वहाँ का छत का आपका व्यू नहीं दिखा पाई और ना ही मैं आपका टहलने वाला रूटीन में अपना दिखा पाई आप लोगों को। तो बस इसलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और अभी यहाँ पर कुकर में बना रही हूँ अभी के लिए जो है तहरी और दलिया बना रही हूँ, दलिया वाली तहरी, हमेशा मूंग की दाल ही नहीं देती हूँ तो जो है यहाँ पर दलिया वाली तहरी उसके लिए बना रही हूँ क्योंकि जब वो सो के उठेंगे ना तो उनको भूख लगती है और मुझे पता है भूख लगती है ना तो छिनछिना जाता है तो उसको मैं दे देती हूँ खाने के लिए। और छत से जाने के पहले मैंने बहुत सारे काम किए थे, मैंने आपसे बताया वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे जो कि सब भूख चुके हैं, ये सब मुझे हैंगर में करके सेट करना है डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन मेरा जब कभी कभी होता है ना हाथ पर इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि कुछ भी करने का आपका मन नहीं करता तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कभी कभी। और यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े फैला दूँगी, किचन का काम ख़त्म कर लिया है, रूम का उतना अच्छे से नहीं हुआ है लेकिन हाँ जो भी हुआ है ढंग से हो चुका है, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पोछा लगाना बाकी है तो पोछा बाद में लगाऊँगी,
पहले ये सारा काम ख़त्म करूँगी। तो जो है अभी अच्छे से धूप नहीं निकली है, तो सारे कपड़े जो है ना मैं यहीं पर फैला रही हूँ, जो है क्या कहते हैं तार पर, और बेडशीट वगैरह भी थी तो वो मैं छत पर फैला कर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, ये उड़ने के डर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और क्लिप जो होती है ना वो मेरे पास नहीं है इस टाइम पर, ठीक तो वहीं तार पर हम लोग छोड़ आते थे ना, तो बंदर सारा उठा ले जाते हैं, नोज डालते हैं, फेंक देते हैं। तो अभी वो इस टाइम पर ख़त्म हो गई है, तो मार्केट वगैरह जब मैं कभी जाऊंगी तो वो आएगी। और आगे वाले रूम में देखिए मैंने फटाफट झाड़ू लगा ली है, और अभी यहाँ पर जो है मुझे पोछा लगाना है। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है, तो 9 बजे तक नाश्ता वगैरह सब बन जाएगा मेरा, नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूंगी, फिर नाश्ता वगैरह बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा रूटीन होता है फ्रेंड्स, और अच्छे से मैं आप लोग के साथ तो नहीं शेयर कर पाई, लेकिन अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर आप लोग के साथ प्रॉपर अपना रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से ना थोड़ा बहुत कुछ मैं नहीं शेयर कर पाई, और मैं इधर बीच ना कुछ लेट भी उठती थी तो इसके वजह से भी नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा मॉर्निंग में ना जल्दी रहती है, और मॉर्निंग में मैं ये समझती हूँ ना सबके घर में काम रहता है और हद से ज़्यादा काम रहता है, तो मॉर्निंग में ब्लॉग्स बनाना ना बहुत जंग लड़ने के जैसा है। या तो आप टाइम से फिर उठ जाओ, टाइम से पहले उठ जाओ, टाइम से नहीं, टाइम से उठोगे तो टाइम वाला ही काम होगा, टाइम से पहले उठोगे तो अपना एक्स्ट्रा काम आराम से जो है कर सकते हो। तो बस मेरे साथ भी यही होता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ रहती है, तो ब्लॉग्स वगैरह बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज भी मैं लेट उठती, लेकिन 4:30 बजे मेरा बच्चा उठ गया था और सो ही नहीं रहा था, अगर वो सोता ना तो मैं भी सो जाती। और मॉर्निंग वाली नींद ऐसी होती है ना कि अगर एक बार आपकी आँख बंद हो गई, खुली और फिर बंद हो गई, तो पक्का 8 या 9 बजने ही वाले हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी अच्छी नींद आती है ना कि जो है आप सो तो सोते ही रह जाओ। तो बस कुछ टाइम से हम हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ यही हो रहा है, हम लोग सोचते हैं ना कि उठ जाएंगे लेकिन फिर उठ नहीं पाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि झाड़ू मैंने ऐसे क्यों रखा है, तो झाड़ू मैंने ऐसे इसलिए रखा है क्योंकि अभी जो है ना पूरा एक एक सीख निकाल कर फेंक देते हैं, इसलिए मैंने इसको पन्नी में फिर से पैक कर दिया है, तो जब उठाएंगे ना तो पन्नी ही उनके हाथ में आएगी, फिर वो छोड़ देते हैं। तो और यहाँ पर देखिए ये बेडशीट जो है मुश्किल से आधे घंटे ही लगे और मैं वापस छत से ले आई, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह बिल्कुल निकल ही जाता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम से अच्छे से सूख गई थी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको भी ले आते हैं, क्योंकि छत पर मैं गई थी थोड़ा सा काम से मतलब पड़ोसी को जो है कुछ कहना था, इस वजह से छत पर गई थी, तो फिर देखा सूखा था तो मैंने सोचा लगे हाथ लेते चलते हैं, नहीं तो फिर बंदर वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और ये है पतिदेव के लिए नाश्ता, तो रात की पनीर की सब्जी रखी हुई है, तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी और ये हो जाएगा नाश्ता इन लोगों का। तो नाश्ता थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं क्योंकि पतिदेव थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं काम से। अभी वैसे मैं नहा लेती, मेरे पास टाइम था नहा के, पूजा मैं कर सकती थी, लेकिन वो जा रहे हैं थोड़ा सा काम से, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बना देते हैं, तो उनके लिए मैं रोटी बना दे रही हूँ, और लगे हाथ लीजा के लिए भी बना दूँगी, चाचा जी के लिए भी बना दूँगी, और फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि घर का सारा काम ख़त्म कर ही दिया है मैंने, आप लोग को दिखाया। तो नाश्ता मेरा तैयारी है, बस नहा के आऊँगी, पूजा करूँगी, फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा सारा काम होता है फ्रेंड्स, और अभी जो है मॉर्निंग वाला सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, मैंने आपको दिखाया, और पोछा भी मैंने लगा लिया है, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में थी, आप लोग को पता ही है। तो ये देखिए नहा कर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर अच्छी खासी धूप आ चुकी है, अभी बज रहा है 10 बजे का टाइम, तो मॉर्निंग से 4 बजे से लेकर अभी 10 बजे का टाइम हो चुका है, और यहाँ पर चाय बन रही है अब। तो जाने वाले थे पतिदेव थोड़ी जल्दी में, लेकिन गए नहीं वो, और रोटी मेरी बनकर रख चुकी है, फिर यहाँ पर नाश्ते में मैंने मठरी और चाय जो है दे दिया है, और यहाँ पर फिर अभी के लिए जो है अभी बज रहा है 11:30, हाँ 11:30 का टाइम हो रहा है अब। तो अब मैं अभी के लिए बना रही हूँ तहरी वेजिटेबल्स वाली, और वो सादी तहरी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, सुबह सुबह एकदम थोड़ी सी बनाई थी, लेकिन वो बच्चा खाया नहीं, क्योंकि कभी कभी होता ना बच्चे कुछ नहीं खाते, तो अभी वो रखी है, तो मैंने सोचा उसको मैं खा लूँगी, और इनके लिए ये वेजिटेबल्स वाली बना दूँगी, ये इसको बहुत प्रेम से खाते हैं, तो ये इनका हो जाएगा लंच, हाँ लंच ही समझिए, क्योंकि ये नाश्ता भी नहीं किए हैं अभी, मतलब ये वो दरिया ना बहुत कम खाता है, तो मैंने सोचा कि आज दरिया बना देते हैं, लेकिन ये खाया नहीं, तो ये वाला प्लान मेरा कैंसिल हो चुका था, और थोड़ा सा मैं खा लूँगी, थोड़ा सा पतिदेव खा के जा चुके हैं।
तो बस यहाँ पर इनके लिए तहरी बन जाएगी। और यहाँ पर स्टेप मैंने निकाल के रखा है बगल, तो बीच बीच में कट करके मैं देती रहती हूँ ना छील उल के, तो ये वो भी जो है खाते रहते हैं बीच बीच में। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा सारा काम होता है। और हाँ, देर तो मुझे पक्का बच जाएगी आराम करते करते। तो आज मैं आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सब्जियों में मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक डालूँगी और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ये सब, ये तहरी ना मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैं भी खाती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बनाती हूँ ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा हो जाए और मैं भी खा लूँ। और मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बताऊँ तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर देखिए, मूंग की दाल मैंने पहले से ही भिगा के रख दी थी, अब मैं मूंग की दाल इसमें जो है ऐड कर दूंगी। और बस तहरी बनने में कितना टाइम लगा, 2 सीटी आई और अच्छे से हो गई, क्योंकि मैंने इसको भिगा के रखा था। और भिगा के रखो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दाल वगैरह बनाने में, चाहे अरहर की हो चाहे मूँग की हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं कर दूंगी मिक्स। और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, अगर इसमें मटर और आलू मैंने डाल दिया होता ना तो ये परफेक्ट तहरी बन जाती। लेकिन मुझे अपने बच्चे को प्रोटीन्स वगैरह देना है, तो इस वजह से मैंने आलू स्किप किया और मटर मेरे पास थी नहीं, नहीं तो मैं मटर जो है डाल सकती थी। तो बस यहाँ पर इनकी तहरी बन गई है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, ढक्कन लगा दूंगी, बस ये वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और अब बारी है अभी के नहलाने की, तो उनकी मालिश भी मैंने मॉर्निंग में करी, जो कि आप लोग को नहीं दिखा पाए हम, तो उनकी मालिश भी मैंने कर दी थी। लोई भी मैं आज से जो है मैंने स्टार्ट किया है लोई उतारना, तो आज से मैंने इनकी लोई उतारी है। और उसके बाद अब बारी है इनकी नहाने की। ये देखिए, पापा के साथ मस्त होकर ये नहा रहा है, इसके पापा आते जाते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि आज डॉक्टर नहीं है तो ये भी घर पर ही थे, आज आ रहे थे तो नहा के नहीं गए थे, तो ये भी जो है नहा रहे हैं। और इनका बेबी भी नहा रहा है, इनका मतलब मेरा भी बेबी, तो ये दोनों मस्त होकर नहा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आज आराम से नहा लो। और बस अभी हो रहा है 12:30 बजे का टाइम। उसके बाद मैंने इनको मूंग वाली तहरी खिलाई, मैंने खाई और पतिदेव ने भी खाई। तो आज लंच में कुछ बना नहीं था, लंच बाहर से आया था, वो भी आया था छोले भटूरे, जो कि शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो अभी मैं दिखा देती हूँ। ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, लास्ट में ज़रूर आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर अभी ये खेल रहे हैं खाना खा के। और अब फाइनली जाके मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ आराम करने। तो मैंने सोचा आप लोग से ऑन कैमरा आके बात करती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया मुझे कैमरा दिखाते हुए और मैं काफ़ी देर से सामने नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी सी बात करते हैं। तो फाइनली अब मैं सामने आ गई हूँ और अभी बज रहा है 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। पतिदेव फिर कहीं काम से गए हैं, वो आते जाते रहते हैं बीच बीच में, जब डॉक्टर आ जाएंगे ना प्रॉपर बैठने लगेंगे तो नहीं आए जाएंगे, अपना टाइम से ड्यूटी करेंगे, लेकिन अभी वो है नहीं तो थोड़ा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने, और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और मेरा बेबी भी सोने ही वाला है, तो जैसे ही ये सोएंगे ना वैसे मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी नींद लगी है। और एक तो ये बच्चा इतनी जल्दी मुझे उठा दिया ना, तो और भी ज़्यादा ही मुझे नींद लग चुकी है, तो बस मैं भी सो जाऊँगी और ये भी जो है सो जाएंगे। तो चलिए फिर, यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी ना तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आपको अपना फुल रूटीन दिखाती हूँ, तो प्लीज़ आप भी जो है थोड़ा सा हेल्प करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो बस चलिए, बहुत सारी बातें कर ली और मेरे क्यूटी बच्चे से मिल लीजिए, ये खेल रहे हैं और मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, बैठी हूँ, सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने। तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके ही जाइएगा। तो चलिए, बाय बाय।